हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल फ्यूज़न के बारे में। ये एक नया अपडेट है जो पावर बीआई में आया है, जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट क्वेरी की जो परफॉर्मेंस है उसे इनक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एडवेंचर वर्क्स 2017 का जो डेटाबेस है उसे डायरेक्ट क्वेरी मोड से यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो टेबल्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अब इस टेबल्स में मैंने कुछ मेज़र्स क्रिएट किए हैं। तो जो पहला मेज़र है वो है टी काउंट। एक्चुअल में ये कुछ नहीं कर रहा, इस टेबल को, इस फुल टेबल को काउंट कर रहा है। और एक मेज़र मैंने ये बनाया है जो उसी मेज़र को मैं एक्चुअल में एक ओवरराइड कर रहा है फिल्टर, ऐसे ही डी ई और जी बी और ये आई टी। तो ये रीज़न है, ये इट इसके हिसाब से मैंने ये चार मेज़र जो यहाँ पर बनाए हुए हैं, एक बेस मेज़र है और बाकी इन तीन, ये तीन मेज़र इसी मेज़र के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं इस डेक स्टूडियो की हेल्प से एक सिंपल क्वेरी यहाँ पर रन करूँ, ओके, मैं यूज़ कर रहा हूँ समराइज कॉलम, और समराइज कॉलम में कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं प्रोडक्ट आईडी ढूंढ रहा हूँ, यहाँ ये रहा प्रोडक्ट आईडी कॉलम, और इसके अलावा एक और रो ये परचेज ऑर्डर, ओके, एक दो कॉलम हो गए। अब इसके बाद हम वो तीनों मेज़र दे देते हैं, एक का नाम देते हैं ए, हम देते हैं डी ई, इसका नाम भी हम डी ई कर देते हैं। जो सेकंड मेज़र है वो आई टी, और जो थर्ड मेज़र है जी बी, इसे मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ओके। तो एक सिंपल सी मैंने ये क्वेरी बनाई है, इसे रन करके देखते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर रन हो गई है, ओके। तो ये प्रोडक्ट आईडी परचेज ऑर्डर नंबर वाइज जो है ये हर कंट्री स्टेट का वो वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है कि ये ब्लैंक है, इनका परचेज ऑर्डर नहीं है। एक सिंपल सी क्वेरी है, यहाँ पर क्वेरी पर ध्यान नहीं देना है। अब एक्चुअल में मुझे इसकी सर्वर टाइमिंग्स को फोकस करना है, तो ये मैं इसकी सर्वर टाइमिंग्स देखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसे अब रन किया। देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर टोटल 79 मिली सेकेंड लगे हैं। इसे मैं दो तीन बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हमें एक्चुअल में फिक्स अमाउंट मिल जाए। देखो 97 आ रहा है, अब 88 अराउंड 80-90 के आसपास, मिली सेकेंड के आसपास ये टाइम नोट कर रहा है। और यहाँ पर तीन क्वेरीज रन हुई हैं, ओके। फर्स्ट क्वेरी जो है इस मेज़र के लिए, सेकेंड में इसके लिए, थर्ड इसके लिए, ओके। ये वाटरफॉल यहाँ ये दिखा रहा है कि पहले हमारा ये क्वेरी चली है, ये क्वेरी रन होने के बाद फिर ये क्वेरी चलेगी और उसके बाद ये क्वेरी चलेगी। और तीन क्वेरी इस पर्टिकुलर रिजल्ट को लाने के लिए तीन सिक्वल क्वेरी बनेंगी और वो मेन डेटाबेस में जाएंगी और ये डेटा को पुल करके लेकर आएंगी। क्योंकि डायरेक्ट क्वेरी में हमारे डैक्स इंजन के अंदर कोई मॉडल जो है स्टोर नहीं होता, हर जो भी हम कुछ इस पर कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो वो क्वेरी जो है वो एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट होकर के सिक्वल सर्वर तक जाती है और फिर वापस जो डेटा आता है उसके हिसाब से कुछ रिपोर्ट यहाँ क्रिएट होती है, ओके। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जितनी हमने क्वेरी बनाई है उसके हिसाब से तीनों उसने अलग अलग क्वेरी बनाई है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है कि जितने नंबर ऑफ क्वेरीज बनेंगी उतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसे सॉल्व करने के लिए। देखिए, इस सिंपल सी क्वेरी को सॉल्व होने के लिए लगा 88 अराउंड 90 के आसपास मिली सेकेंड लग रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस मॉडल में एक नया अपडेट है और वो अपडेट ये है कि हम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है हॉरिजॉन्टल फ्यूज़न। वो मिलेगा आपको ऑप्शंस के अंदर, प्रीव्यू फीचर के अंदर हॉरिजॉन्टल फ्यूज़न। इसे आप
ऑन करेंगे और ओके करेंगे। ओके, जैसे ओके करेंगे ये एक रिस्टार्ट मांगेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फाइल को सेव करके मैं वापस खोलता हूँ। ओके, ये फाइल वापस ओपन हो गई है। अब डक स्टूडियो में वापस जाते हैं। अब टाइम दोबारा से नोट कर लेते हैं, 88 के आसपास, 90 के आसपास टाइम आ रहा था और ये तीन क्वेरीज आ रही थी। ओके, अब इसे हम वापस कनेक्ट करना होगा। ठीक है, मैंने वापस उससे कनेक्ट कर दिया है, अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसे हम रन करके देखेंगे। ओके, तो मैंने इसे रन किया। ठीक है, मुझे सर्वर टाइमिंग्स देखनी है और फिर सर्वर टाइमिंग्स पर क्लिक करेंगे और फिर रन करेंगे। देखिए, मैं दो तीन बार रन कर देता हूँ इसको, 63, 68, 101 भी आ रहा है, 73 भी आ रहा है, 59 भी हो गया, 99 भी आ रहा है। देखिए, क्योंकि सिंपल क्वेरी है, ये जो टाइमिंग है नोट करने वाली वो कंपेयर जो है पहले वाले से कम है। रीज़न ये है कि देखिए, यहाँ पर जो पहले इस कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए तीन क्वेरी रन हुई थी, अब वो सिर्फ एक क्वेरी से ही सेम रिजल्ट लेकर के आ रहा है। इस तरीके से अगर ये जितना ही और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ से हटा दूँ, सिर्फ स्टोर आईडी वाइज इसे कैलकुलेट करूँ, तो देखिए यहाँ पर अब ये 33 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं और अगर फ्यूज़न हटा देंगे तो टाइमिंग जो है अलग होगी। ओके, तो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हॉरिजॉन्टल फ्यूज़न क्या है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये प्रीव्यू फीचर में है, लेकिन ये बहुत यूज़फुल होगा जब हम इसे डायरेक्ट क्वेरी मोड से कनेक्ट करके इसको हम थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझनी हैं कि सर्वर टाइमिंग्स, ये SE, FE, ये सब क्या चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कीजिए, तो इसके ऊपर भी आगे की वीडियोज़ आ जाएंगी। थैंक यू गाइज़, गुड बाय।